ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे, ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए कि छोटे जाने चाहिए? आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए ना? तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है।